नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने स्क्रबर के बिजनेस को एक रॉकेट की रफ्तार में जो है से फैलाया जाए या फिर बढ़ाया जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये देखता हूँ कि जब लोग मुझसे बात करते हैं ये स्क्रबर के बिजनेस के बारे में, तो ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर सेल नहीं बढ़ रहा है, सेल कैसे बढ़ाएं। तो आप सब लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि स्क्रबर के बिजनेस में एक चीज तो आसान है कि हम बड़ी आसानी से इसे बना लेते हैं घर में, लेकिन इसे मार्केटिंग करके बेचना बहुत मुश्किल होता है। तो एक छोटा सा टिप्स जो है हम करते हैं और वो मेरे लिए सक्सेसफुल है, तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूं, ताकि आप लोगों का भी जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का एक अच्छा रफ्तार पकड़ ले, और जो लोग करना चाह रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा इससे फायदा हो जाए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे एक स्ट्रेटजी बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे यूनिट पे माल बन सके और उतना ही तेजी से वो सेल भी हो जाए। होता क्या है कि हम लोग गांव से बिलोंग करें, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर शहर से बिजनेस कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो प्रोडक्ट है स्क्रबर, वो ज्यादातर राशन के दुकान, जनरल स्टोर, इन्हीं सब दुकानों पे बिकता है। तो उन मुझे यहाँ हम लोगों को ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो भी राशन का दुकान है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेरी वाले होते हैं वो पेड़ा, लड्डू, बच्चों का जो होता है खाने वाला, चॉकलेट का जो फेरी करते हैं, कुरकुरे, चिप्स वगैरह का जो फेरी करते हैं, लोग हर दुकान पे जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि उन फेरी करने वालों से कॉन्टेक्ट करना है। अगर हम लोग 5 फेरी करने वालों को भी अगर पकड़ लेते हैं, तो एक फेरी करने वाला मान के चलिए कि आज हमसे 50 पत्ता लेके गया और वो हर रोज मान लीजिए 10 पत्ते बेचता है, तो 5 दिन के अंदर में 50 पत्ता बेच दे रहा है। तो 5 फेरी वाला मिलके 250 पत्ता आपका हर 5 दिन में आपका कम से कम सेल कर देगा। और कोई भी कितना भी खराब फेरी वाला होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन में वो 10 पत्ता बेच ना सके। मेरे पास खुद ऐसे फेरी वाले, पहले तो मैं उन्हें कन्विंस कर रहा था तो वो लोग नहीं लेना चाहते कि नहीं हमारा जो है प्रोडक्ट अलग है, हम ये नहीं बेच सकते हैं, बिकता नहीं हम लोगों से। फिर मैंने जबरदस्ती करके किसी तरह से कन्विंस करके जब उन्हें अपना स्क्रबर दे दिया, तो अब लगभग मुझे जितने भी जो उसे हम हॉकर्स बोलते हैं, जितने भी वो फेरी करने वाले हैं, वो हर एक सप्ताह के अंदर में कम से कम 50 पीस तो लेके ही जाते हैं। तो आप लोग भी अपने एरिया में जितने भी फेरी करने वाले हैं उन्हें टारगेट करिए। आप मार्केट में जब दुकान में जाते हैं तो वहां भी आपको वो मिल जाएंगे अपना सामान देते हुए, तो उनसे बात कीजिए, उनसे मोबाइल नंबर लीजिए और बोलिए कि आपको लगभग एक पत्ते पर 8 से 10 रुपए बचत हो रही है, तो कुछ करना नहीं, इसमें कोई वजन है नहीं, आप आराम से अपने बाइक के पीछे इसे डाल लीजिए, इससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। आपका ये होगा कि आप थोड़ा कम कमाएंगे, जो आप बना रहे हैं अगर तो थोड़ा कम में देंगे, तभी तो वो फिर दोबारा रीसेल करके कुछ वो भी कमाएंगे। तो आप लोग कॉस्टिंग कम रखिए, मतलब इनकम कम रखिए, लेकिन सेलिंग बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि आपके ब्रांड की वैल्यू उस मार्केट में बन जाए। और जो फेरी करने वाले लोग होते हैं वो हर दुकान, छोटा बड़ा, गुंती, सारे दुकान पे जाते हैं, तो उनका रीच बहुत अच्छा होता है मार्केट में। तो आप लोग प्लीज उनको किसी भी तरह से कन्विंस करके अपने साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का सेल जो है इंक्रीज हो, तभी जो है से कि आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। अगर मान लीजिए महीने में 1000 पत्ता भी अगर वो लोग निकाल देते हैं, तो आपका 10,000 रुपया कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फेरी करने वालों से। उसके बाद तो आपके पास होलसेलर है ही जिन्हें आप माल देंगे या फिर उनसे बात करके आप अपना सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन फेरी करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, इस बात को आप लोग समझ जाइए। मैं जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास कोई फेरी करने वाला नहीं था, लेकिन आज के डेट में कम से कम 8 से 10 ऐसे फेरी करने वाले हैं जो हमारे घर से आके माल लेके जाते हैं और पूरे जो है मोहल्ला, मतलब जहाँ भी वो उनका मार्केट है वहाँ पे बेचते हैं, तो अच्छा खासा उनका जो है वो भी कमा रहे हैं और मेरा भी जो है सेल बढ़ जा रहा है। उनके ले जाने से फायदा ये होता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं बच जाता है, कहीं हमको ले के नहीं जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ आते हैं और खुद से ले करके जाते हैं, तो ये वहाँ पे हम लोग क्रेडिट में भी दे देते हैं, आप भी दे सकते हैं, फायदा होता है, वो बेच के पैसा फिर दे देते हैं। तो ये चीज आप लोग कीजिए, आपका भी बिजनेस अच्छा चलेगा। और प्लीज जो लोग कर रहे हैं काम,
इतना जल्दी हतोत्साहित ना हो। ज्यादातर जब हमारे पास कॉल आता है तो उसमें ज्यादातर लोग यही परेशान होते हैं कि भैया हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं 2-4 महीने से चला रहा हूँ लेकिन बहुत परेशान हूँ। तो उन सभी भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा मार्केटिंग में मेहनत करिए, आपका बिजनेस चलेगा, विश्वास रखिए। और मार्केट में मेहनत ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है, बनाने पे कम ध्यान दीजिए और मार्केट बनाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। अभी मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालने का, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। अभी मेरा एग्जामिनेशन का भी समय चल रहा है, प्लस मेरा मार्केटिंग रहता है और भी बहुत सारा काम है। अभी लगभग 8:30 हो रही है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एडिट करके फिर आप लोगों के लिए डालूंगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस बिजनेस से रिलेटेड, चाहे अगर आप मेरे बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग की हाँ सही बात है, या फिर आप लोग का कोई सुझाव है तो भी डाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए वीडियो के नीचे, या फिर यह मोबाइल नंबर जो आ रहा है इस मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके कॉल का, व्हाट्सअप का, सब चीज़ का जवाब देता हूँ। हर संभव तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रेड बटन को दबा दीजिए, ताकि हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong?